हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर वाले सेक्शन पे डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि हेडर का सेक्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और राइट साइड में देखिए ये है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। ठीक है, तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है सबसे नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में। ये रहा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए प्लस साइन बन करके आ गया। अब आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो टाइप कर देता हूँ। अब बाहर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हेडर में आ चुका है। ठीक है, अब आप जितने मर्जी नए पेज ओपन करते जाइए, देखिए हेडर में टेक्स्ट बॉक्स आता जाएगा। ठीक है।